So, my dearest viewers, the result is out for GE Advanced. Let me fill up this login ID. तो ये है मेरा रिजल्ट और ये है मेरा CRL. देख रहे हैं क्या आप लोग? For a person who was expecting this rank to be around 6000 or 6500, वो चली गई है रैंक 16900 पर. तो अब क्या ही कर सकते हैं, ये जो एग्जाम फॉल्ट था, मैंने उनको मेल भी किया कि आप देख सकते हैं स्क्रीन पर कि मैंने उनको मेल भेजा था कि हमारे साथ ये स्क्रॉलिंग प्रॉब्लम हुई, जूम इश्यूज हुए. और उनका वहाँ पर वापस भी रिप्लाई आया दो बार कि उनने बोला ये सब के साथ था, इस वजह से हम इस बेस पर आपको, ये हमारा फॉल्ट नहीं है, मतलब हर किसी के साथ हुआ. तो आफ्टर ऑल ये एक मतलब इक्वालिटी हुई हर किसी के साथ, हर किसी के साथ यही प्रॉब्लम हुआ. पर मैं जो जिस भी पेपर वन में जहां पर मैं बैठा था, पेपर टू में जहां पर मैं बैठा था, दोनों पेपर्स में मैं अपने आसपास जो बच्चे देख पा रहा था उनके स्क्रीन पर कोई भी इशू नहीं हो रहा था, जिस वजह से मैं ज्यादा वहां पर हाइपर हो गया था. मैंने उनके साथ फिर पेपर के दौरान ही बात की थी, मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था. तो खैर अब होने तो कुछ नहीं वाला है, लेकिन मेरी सिंपैथी है उन सब बच्चों के साथ जिनकी रैंक बहुत ही अच्छी एक्सपेक्टेड थी, पर इस जूमिंग प्रॉब्लम की वजह से, इस कंप्यूटर CBT फेलियर की वजह से उनकी रैंक इतनी पीछे आई है. या ऐसे मेरे कई सारे दोस्त हैं जो मतलब हर मॉक में यही 10,000 के अंडर एक्सपेक्ट कर रहे थे, वो 30,000 पर चले गए हैं. तो सब बच्चों के साथ मेरी सिंपैथी है, सब मेरे भाई बहनों के साथ मेरी सिंपैथी है. और अब अभी बताए क्या कर सकते हैं. मैंने उनको अपने हिसाब से तो मेल कर दिया था, उनका रिस्पांस भी मिला दो बार और दोनों बार डिसअपॉइंटिंग रिस्पांस था. तो ऐसा कुछ कर तो नहीं सकते, पर अल्लाह हाफिज़.